अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बंस रोड के रोमियो जूलियट। आने वाली एपिसोड इसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर फरहाद को खुद पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में फरहाद चाहता क्या है, इसीलिए तो अपना सारा गुस्सा आ जाकर लोगों पर उतारता है और उसी की वजह से कभी कभी जेल भी जाना पड़ जाता है। लेकिन इन सब में फिया का तो कोई कसूर नहीं, फिर भी उसको सहना पड़ रहा है सब कुछ। आज तो फिया ने कह ही दिया फरहाद से कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मैंने तो ऐसे फरहाद से मोहब्बत नहीं की थी, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं और तुम मेंटली सिक हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आती कि तुमने क्या करना है। जिस दिन तुम्हें खुद अपनी ज़िंदगी की समझ आ जाएगी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस फिया का ये कहना था कि फरहाद ने ज़ोर का धक्का दिया फिया को और फिया को बहुत शदीद चोट आई। अब तो वो किसी कीमत पर फरहाद के साथ रहना नहीं चाहती। पहले फरहाद ने उसके घर वालों की इंसल्ट की और अब फिया पर ही तशद्दुद शुरू कर दिया, इसीलिए तो फिया वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई। अब फरहाद को एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, जब सारा गुस्सा उतर जाता है फिर एहसास होने का क्या फ़ायदा। तो फिया के पीछे भागता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ, लेकिन फिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को फिया का जाना अच्छा लगा। वैसे फरहाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए था और फिया को बहुत पहले ही चला जाना चाहिए था। अगर आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।